ठीक है भाई लोग, तो फिर से आ गए हम एक और बेहतरीन नेक्स्ट लेवल एकदम आज सर्वाइवल इवोल्ड की गेम प्ले वीडियो में। और भाई लोग यार तुम पता नहीं क्या कर रहे हो भाई, लेकिन जो भी कर रहे हो एकदम नेक्स्ट लेवल कर रहे हो, मजा आ रहा है भाई। भाई ये जो पिछली वाली वीडियो भी गई है, इस पर तुमने जो बेहतरीन एकदम नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स दिखाया यार भाई, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा आ गया भाई कतई। और भाई आगे भी ऐसी करते रहो यार, जो भी कर रहे हो एकदम बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, लगे रहो। और मैं तो लगाई हुआ हूँ खैर वीडियो बनाने में। और भाई पिछली वाली वीडियो में हमने भाई एक पूरी आर्मी खड़ी कर दी भाई डायनासोरों की, भाई डायनासोर अपने घर के पास में एकदम कई सारे भाई, भैंसू सुंडरी टीन सी भाई, इतने सारे हिटलर विटलर बड़े से छोटे सारे डायनासोर हैं। तो अभी क्या बचा है, एक तो अपने पूरे घर को पत्थर में अपग्रेड करना बचा है, ठीक है, तो वो अभी हम इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। और मैं दो चीज करने वाला हूँ, एक तो भाई इसमें क्या है, गेम में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि भाई केमिस्ट्री की बेंच और फैब्रिकेटर वगैरह, उससे क्या है वो भी नेक्स्ट लेवल चीजें बना सकते हैं, जैसे कि भाई बंदूक और बहुत तगड़े तगड़े आर्मर वगैरह बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल ही मजा आता है उन चीजों को बना के। तो इसके साथ में देखें खेती बाड़ी भी कर पाते हैं हम या नहीं। और साथ के साथ भाई मैं एक उड़ने वाले डायनासोर को भी आज फालतू बनाने वाला हूँ, मतलब यार मजा आने वाला है आज पूरा, ठीक है। तो अगर आज की वाली वीडियो में मजा आए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक, ऐसा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी है सब कर दो एकदम दबा के, ठीक है। और वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं काम करता हूँ भाई, जो हमने सुअर पालतू बनाया था ना अभी पिछली वाली वीडियो में, उसका नाम रख देता हूँ। तो भाई इसका नाम रखते हैं हम वायरस, जैसा कि तुम देख सकते हो कमेंट में, भाई ने कमेंट करा था वायरस नाम रखने के लिए, तो रख दिया हमने। और अगर तुम भी भाई ऐसा कोई नाम वाम फीचर करवाना चाहते हो अपनी वीडियोज में, ठीक है, किसी डायनासोर का, तो कर दो कमेंट, हम मस्त फीचर कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट करो नाम अगर तुम्हें कोई ऐसा नाम फीचर करवाना है तो। तो भाई हम फिर से वहीं जा रहे हैं पत्थर फोड़ने जहाँ उस पर कल गए थे, और मुझे अभी रास्ता थोड़ा बहुत याद है, तो मुझे लगता नहीं मैं खोने वाला हूँ, ठीक है भाई लोग। तो हम आ चुके हैं पत्थर फोड़ने, अभी फोड़ते हैं काफ़ी सारे पत्थर, अभी तो मैं एक अंडरग्राउंड पत्थर फोड़ रहा हूँ। ये भाई पूरी जो ज़मीन है ना वहाँ तक दूर दूर तक ये पूरा घास के मैदान में पत्थर पत्थर बिखरे पड़े हैं जगह जगह बड़े बड़े, तो इन्हें आराम से हम तोड़ फोड़ के और अपने घर लेके चलेंगे, मस्त कंस्ट्रक्शन करेंगे दबा के। अभी पता नहीं कहाँ चला गया ट्रेन, जहाँ तक मरमरा गया होगा कहीं जाकर। तो भाई लोग अभी क्या है, हम दोनों ने, मैंने और वाइस ने अपना पूरा बस्ता भर लिया है सामान से, और तभी हमें एक टायर घूमता हुआ दिख गया। तो भाई क्या अपना पुराना वाला टायर तो बेवफा निकला भाई, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। और हम एक काम करते हैं, इसे पालतू बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो अभी एक नया तरीका मिला है मुझे इन डायनासोर को पालतू बनाने का, वो है ये कि इसे इस चीज़ को लो टायर लो, पट से हेडशॉट, और रुको, ठीक है भाई पट से हेडशॉट मारा। और अब नहीं नहीं ये स्टोन एरो है, इसे नहीं मार सकते हम, ठीक है भाई। अब क्या है, ट्रैंक एरो मारते हैं इसके पट से, ठीक है। उससे क्या है भाई, वो जो हमने मारा था ना इसके, उससे एकदम से बौखला गया, हिल गया। इसका नाम भाई टायर नहीं रखने का, इसका नाम आतंक रखेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो टायर जो है कहीं पर जंगल में छूट ही गया, इधर उधर अटक रहा होगा, अगली मतलब जब मैं गेम रीस्टार्ट करूंगा ना तो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है भाई लोग। तो जो टायर है वो अपना पालतू बन चुका है, और मैं इसका नाम, क्योंकि टायर नहीं रखने वाला था तो इसे मैं इसका नाम रखूंगा आतंक, ठीक है भाई लोग। तो अभी अभी मैंने गेम रीस्टार्ट करा है, और देखते हैं अपने डायनासोर वापस आया या नहीं। भाई टायर गया भाई, बेवफा निकला टायर। और भाई भाई मैंने क्या है, बहुत सारी टट्टी खट्टी कर ली डायनासोरों की, तो फटाफट से इसके अंदर डालते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो अभी अपना टाइम के साथ साथ बनाता रहेगा खाद। ये भाई देखो पूरी छत जो है पत्थर की हो चुकी है एकदम बेहतरीन करके। हमें मतलब जब पत्थर तोड़ते थे तीन चीज़ मिलती थी पत्थरों से, एक मेटल, एक भाई फिंट और एक स्टोन। स्टोन तो इन सब चीज़ों में काम आता था, स्टोन की सारी चीज़ें बनाने के लिए, फिंट और कई चीज़ों में काम आता था जैसे कि आग वाग बनाने के लिए। और मेटल जो बचा ना वो क्या है, वो अब काम आएगा, ये फोज मतलब भट्टी। तो इसमें क्या है, मेटल डाल के, मेटल एक तरह से मान लो मेटल और ही है वो, तो उसे इस चीज़ के अंदर डाल के और हम भाई मेटल के इंगट बना सकते हैं। इंगट मतलब जैसे सोने की ईंट नहीं होती, इस तरह से मेटल की ईंट जिससे कि हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो एक बार मैं तुम्हें इसे यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो भाई मैंने क्या करा, इसके अंदर 100 लकड़ी गेरी और जितने मेटल है मेरे पास वो गेर दिए सारे के सारे, और अब कर दी लाइट फायर, ठीक है। देखो भाई अभी क्या है, मुझे थोड़ी सी देरी हुई है करे हुए, इतनी देर में क्या है मुझे एक मेटल का इंगट मिल गया और ये कोल मिल गया लकड़ी जलने से, ठीक है। तो ऐसे ही करके चलता रहेगा मस्त, ठीक है। तो एक तो भाई हमने ये बना दी वो मतलब भट्टी जिसके अंदर मेटल पिघला सकते हैं, तो ये है भाई स्मिथी। अब तुम सोचोगे क्या बवासीर बना दी, तो मैं तुम्हें बताऊं भाई, जैसे हथियार वथियार बनाने होते हैं ना, तो ये एक तरह से हथियार वथियार बनाने के लिए टेबल सी है, इसमें मतलब सारी रिक्वायर्ड चीज़ें रहती हैं, हथियार इन द सेंस हम धनुष बाण से लेके और कुल्हाड़ी वगैरह भी बना सकते हैं। और यहाँ पे एक बार इसे यूज़ करके देखते हैं, तो इसमें भाई वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, बस हमें रिलेटिव चीज़ें रखनी है और हम इसमें क्राफ्ट कर सकते हैं साइंस से। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें मेटल की वो पिक क्राफ्ट करके दिखाता हूँ,
तो भाई लोग अभी मैंने क्या है इसके अंदर एक वुड, एक मेटल का इंगट और 10 हाइट डाली हुई है और इस ये जो स्मिथ है इसकी इन्वेंट्री में। और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, ये रहा मेटल की जो पिकैक्स है, ये हमारे मेटल हार्वेस्ट करने में काम आएगी। अभी क्या है अभी तो हम सारी चीज़ें भाई स्टोन स्टोन की बना रहे हैं, स्टोन की सीलिंग होगी, दीवारें होगी, छत होगी, सारी चीज़ें स्टोन की हैं तो इससे इसमें मेटल की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे जब हम बहुत सारी चीज़ें मेटल से रिलेटेड बनाएंगे, जैसे भाई मेटल के डोर, मेटल की फाउंडेशन, मेटल की सीलिंग, पूरा जब घर मेटल का बनाएंगे तो हमें बहुत सारे मेटल इंगट की जरूरत पड़ने वाली है। मेटल इंगट बनता है मेटल से, और मेटल को निकालने का आसान तरीका ये है, मेटल पिकैक्स। और अभी भाई एक काम करते हैं, फटाफट ये दीवाले क्राफ्ट करना चालू करते हैं, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमने क्या है इसमें 51 मेटल रखे हैं, ये जो वो है भट्टी। अब देखते हैं इसमें से मेटल इंगट कितने बनते हैं, तो दो मेटल को मिला के एक मेटल इंगट बनता है, ठीक है भाई लोग। तो अभी एक मधुमक्खी सी उड़ती हुई आ गई थी अपने पास, और ये पड़ी है वो मधुमक्खी सी, और ये क्या है ये अपने इलाके में पता नहीं कहाँ से आ गई। लेकिन इनका एक फ़ायदा है भाई, ये इन्हें मार के ना हमें चिटिन मिल जाती है आराम से, चिटिन की काफ़ी जगह जरूरत पड़ती है सीमेंटिंग पेस्ट वगैरह बनाने में, तो सही चीज़ है मतलब, ठीक है भाई। एकदम जो अपना रूफ टॉप है छतड़ा वो ऐसा दिख रहा है पूरा का पूरा स्टोन के बनने के बाद, ठीक है भाई लोग। तो अभी सामने मुझे एक चिड़िया दिख रही है, और इसे पालतू बनाने का एक बेहतरीन सा तरीका भी आता है मुझे, एक सेकेंड ये चीज लिए और इसको घुमाना चालू करा, ठीक है। और ये इसके मादी पट से हेडशॉट, और अब निकाला भाई धनुष बाण, नहीं यार ठीक है, ये ट्रैंक एरो एक, ये दूसरा, तीसरा और ढह गया। तो अभी क्या कहते हैं इसे काफी सारे नार्कोटिक्स देते हैं भाई, वो क्या था उड़ने वाला डांस होता, मैंने भाई एकदम से मौका लपक लिया तो सही रह गया मेरे साथ में सीन। तो भाई अभी एक गड़बड़ होगी, मुझे पता ही था ये जो है ये मांसाहारी जीव है, तो इसे हमें थोड़ा सा शिकार करके खिलाना पड़ेगा, ठीक है भाई। पालतू बन चुका है भाई, उड़ने वाला डांस हो रहा है, तुमने यहाँ बताया नहीं इसका क्या नाम रखना है, अगली वाली वीडियो में बता दियो। डांस तो क्योंकि हम पालतू बनाते ही रहते हैं, ठीक है, तो नाम बता दे करो। तो भाई मैं क्या है मैं अभी इसका नाम नहीं रख रहा, तो तुम जो है कमेंट करके बताओ इसका क्या नाम रखना चाहिए, अभी ऐसा बेनाम का ही छोड़ देते हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊँ मैंने करा क्या था, ये एकदम से उड़ के क्यों नहीं भगा, तो मैंने क्या करा, एक भाई चीज़ होती है बोला, वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ क्या होता है। मैं जैसे चीज़ को घुमाया था ऐसे ऐसे करके, उस चीज़ को अगर हम किसी के मत्थे पे ऐसे दे मारे ना, हमने इसे टायर को भी कैसे पालतू बनाया भाई, उस चीज़ को ऐसे घुमा के इस टायर के मत्थे पे दे मारा था, और भाई ये जो है फिर हिल नहीं पाता, ऐसे बौखला जाते हैं थोड़े से। तो इतनी देर में हमने क्या करा भाई, धनुष बाण लेकर भाई तीर तीर भर दिए, उस तरह से हमने आसानी से इसे पालतू बना लिया था टायर को भी, और अब इसे उड़ने वाले डायनासोर को भी, जिसका तुमने अभी तक नाम नहीं बताया, ठीक है भाई। इस पे भी हमने क्या है सैडल लगा दिया है अपने उड़ने वाले डायनासोर पे, और ओहो मजा आ रहा है इसके साथ तो, ठीक है। अब इसको नीचे लैंड कैसे कराना है, तो ठीक है लैंड हो जाओ सर, लैंड करा दे। ये है फैब्रिकेटर, इसका क्या है ये बहुत सारी चीज़ बनाने में काम आता है। ये एक तरह से तुम मान लो जैसे एमिनेशन वालों का वो नहीं होती बेंच, वहाँ पे मतलब वो बंदूक बनाते हैं सारी चीज़, तो एक तरह से ऐसी कोई चीज़ मान लो। तो देखो भाई क्या है, जैसे स्मिथी है उसमें तो क्या है छोटे मोटे हथियार बना सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें बना सकते हैं एक तरह से, लेकिन फैब्रिकेटर के साथ क्या है भाई, हम बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें बना सकते हैं, मॉडर्न हथियार हो गया सॉल्ट राइफल भाई, गन वन सारी चीज़ भाई, मेटल वॉल्ट बना सकते हैं, मतलब वो नहीं होते भाई बैंकों में ऐसी बड़ी सी तिजोरी घुमाते हैं वो भाई। और भाई अभी मैं क्या है मुझे फर्टिलाइज़र मिला है, जो हमने वहाँ पे पीछे बिन लगा रखा ना घर के पीछे, उसमें से फर्टिलाइज़र मिला है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये मैंने इसकी इन्वेंट्री में डाल दिया, ये है फर्टिलाइज़र, ये भाई खेत में डाल दो अपना मस्त, और बीज भी उगा सकते हैं। एक और चीज़ है मेरे पास नाको पेरीज के बीज, जब भाई ये बीज भी डाल देता हूँ मैं इसमें, अभी बस पानी लगाने की जरूरत है, तो पानी के लिए मुझे टंकी वाले कनेक्शन वगैरह करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लास्ट काम यही करने वाले हैं खेती बाड़ी करना। लेकिन उससे पहले भाई मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाई है। तो ये तो स्मिथी है, यहाँ पे हम छोटे मोटे हथियार बना सकते हैं, ठीक है भाई। एक ये चीज़ आएगी थी कुकिंग पॉट, तो ये और रख देते हैं हम, ये पूरा का पूरा फ्लोर भर चुका है एक तरह से। यहाँ पे तो अपना घोटना रखा है जिसके अंदर हम बेरीज वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे अपना कुकिंग पॉट रखा है इसके अंदर हम खाना बना सकते हैं, और भाई इसके अंदर हम स्किन्स भी बना सकते हैं, जो भाई आर्क में स्किन्स नहीं होती वो ऐसे नहीं मिलती, इसमें बनती हैं कुकिंग पॉट में, ये सही चीज़ है यार। ये है भाई फर्नेस, ये भट्टी है, इसमें क्या कहते हैं जो मेटल होता है उसके इंगट बनते हैं ईट टाइप, ठीक है। ये है भाई फैब्रिकेटर, तो खतरनाक चीज़ है, इसमें जितनी मॉडर्न चीज़ें होती हैं सारी बनती हैं। ये है अपने फायरप्लेस, यहाँ पे भाई आग जला के बस पूरे घर को गर्म रखो,
इसकी जो चिमनी सीधी ऊपर निकल रही छत के पास शायद। उसके बाद में ये है एक स्टोरेज बॉक्स बड़ा वाला, और अपना पूरा का पूरा घर भी हमने इस वीडियो में पत्थर का बना दिया है भाई, सारा का सारा कुछ पत्थर ही पत्थर। ठीक है भाई, तो ये है अपना घर जो तुम अभी देख रहे हो, ऐसा लगता है अपना घर पत्थर का बनने के बाद। और इसके पास खाना नहीं है तो थोड़ा बहुत शिकार भी करके लाते हैं इसके लिए, मतलब एक्चुअल शिकार पालतू नहीं बनाएंगे जानवरों को, जानवरों का शिकार ही करेंगे हम। वो भाई ऐसा दिखता है अपना घर, सही है काफ़ी ज़्यादा, आसमान से वो भी अच्छा दिखता है। वो भाई ये जो है ये फीमेल टेरर है, मतलब वो आतंक जो है हमारे पास वो मेल है ये फीमेल है, तो इसे अपना पालतू बनाते हैं और आतंक का साम्राज्य खड़ा करेंगे मस्त। ठीक है भाई, टायर भी आ रही है अपने पीछे पीछे, आतंक के ऊपर बैठ के हम चल ही रहे हैं। इतने बालक करेंगे इनके, इतने बालक करेंगे किसने सोची ना होगी भाई। ये थोड़ा सही है, इसका लेवल 20 है, जो हमारे पास इस टाइम है उसका लेवल कम है, उसका ऐसा ही होगा 10 के आसपास जिस टाइम मतलब पालतू बना था वो। भाई इसका खाना ख़त्म हो गया था इसलिए पालतू नहीं बना, और ये अभी उठने वाला था थोड़ी देर में। भाई बड़े सही टाइम पर, भाई बड़े सही टाइम पर आया यार, मैं तो उठ जाता अभी थोड़ी देर में। अभी तो भाई मैंने इसे बहुत सारी नाकों भाई खिला दिए हैं तो सही है, रह गया सिस्टम। क्या पहले नशा बनाने का काम करता था क्या भाई? दो दो बायोटॉक्सिन खिला दी भाई। बायोटॉक्सिन तुम्हें बताऊँ बहुत ज़्यादा तकड़ी चीज़ होती है, मतलब जल्दी से उठता नहीं कोई भी जानवर बायोटॉक्सिन खाने के बाद, और इसने भाई दो दो बायोटॉक्सिन गटक लिया आराम से। इसे भाई अगर तुमने नहीं देखा तो मैं बताऊँ इसे क्या है, हमने इसके सिर पर भी बोला मारा था इस वाले की तरह, ठीक है। और ये काफ़ी सही लेवल का है, 20 लेवल के आसपास का है। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ ये फीमेल है और ये है मेल, तो भाई अब समझ जाओ मतलब हमारे पास भाई दो ऐसे सेट हो गए, ये एक तो ये है भाई उड़ने वाले मेल और फीमेल, और एक क्या है वो टेरर है मेल और फीमेल दोनों। तो भाई हमारे पास एक तो आतंक का साम्राज्य होगा, एक आतंक है एक टेरर है। और भाई इन दोनों का भी नाम बता देना अगली वाली मतलब इस वाली वीडियो के कमेंट में, अगली वाली वीडियो में इनका भी नाम रख देंगे दोनों का। तो भाई अभी हमने काफ़ी सारे डायनासोर नए पालतू बना लिया ना चाहते हुए, मतलब ऐसे मजे में बन गए। और मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ये देखो ये दोनों उड़ते हैं और ड्रैगन जैसे दिख रहे हैं, तो भाई नाम वाम तुम अगले वीडियो के लिए डायनासोर का कमेंट कर देना, इनका नाम तो मैं ही रख रहा हूँ। और भाई मुझे ड्रैगन से याद आया भाई गेम ऑफ थ्रोन के, जॉन स्नो और डेनेरिस स्टॉर्मबोर्न, ठीक है। तो इसका नाम तो रखता हूँ ये लोंडा की, तो इसका नाम रखता हूँ जॉन स्नो, ठीक है। और इसका रखता हूँ भाई डेनेरिस स्टॉर्मबोर्न, ठीक है। तो ये वाला घर तो मैं अगली वाली वीडियो में छोड़ दूंगा, डेनेरिस को लेकर जाऊँगा भाई मैं कहीं दूर ऐसी जगह पर जहाँ पर मिनरल्स बहुत सारे होंगे भाई, मेटल वेटल सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो भाई खेती भी चालू हो गई है वहाँ पे, ये है नार्कोबेरी, ये नार्कोबेरी उग रही है, और ये दूसरी वाली बेरी है नीली वाली, ये भी उगने के तैयारी में है क्योंकि इस वाले में पानी नहीं पड़ा था पहले से, तो हमने डाल दिया ला के पाइपिंग कर दी पूरी। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना ही, आज वाली वीडियो में भाई हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी है, काफ़ी सारे डायनासोर पालतू बनाए, और भाई हमने खेती बाड़ी करी, अपना पूरा का पूरा घर जो है वो भाई हमने पत्थर का बना दिया, ठीक है। और भाई अभी हम क्या है इनके डायनासोर के भाई बालक वालक भी करा सकते हैं, अंडे वंडे निकाल सकते हैं, और डायनासोर होंगे हमारे पास तगड़े तगड़े।